भारतीय वायुसेना और देश की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए 5 राफेल विमानों की पहली खेप आज पहुंचेगी अंबाला वायुसेना स्टेशन। इलाके के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम नरेंद्र मोदी आज बैंकों और एनबीएफसी के स्टेक होल्डर्स के साथ भविष्य के लिए योजना और रूपरेखा पर करेंगे विचार विमर्श। ऋण उत्पाद और वितरण के साथ ही वित्तीय सेक्टर के स्थायित्व और निरंतरता के तौर तरीकों पर करेंगे चर्चा। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व बाघ दिवस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल जारी की अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 की चौथी विस्तृत रिपोर्ट। दुनिया के 70% बाघ भारत में। कहा, बाघ संरक्षण के मामले में भारत अब नेतृत्व की भूमिका में। वन क्षेत्र में चारे और पानी की बढ़ोतरी के लिए पहली बार LIDAR सर्वेक्षण तकनीक का होगा इस्तेमाल। भारत में कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ होने की संख्या 9,52,000 से पार। मृत्यु दर घटकर 2.25% हुई। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,68,00,000 से ज्यादा। 6,62,000 लोगों की मौत। महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में 4,50,000 से ज्यादा मौत। और बाढ़ प्रभावित असम में पिछले कुछ दिनों से बारिश से थोड़ी राहत मिलने के बाद स्थिति में मामूली सुधार। बाढ़ प्रभावित जिलों और गांव की संख्या में आई गिरावट। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। SDRF और NDRF की टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी।